बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइसोमेरिज्म के बारे में। इसकी फर्दर टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री का है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पहले डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री का फिर बाद में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म टू आर मोर कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन ये है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो डिफरेंट और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंस होती हैं वो होते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10। एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास C4H10 है। तो अब उसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमेरिज्म है, दो स्ट्रक्चर उसके बांध सकते हैं। लाइक ये एन ब्यूटेन है C4 वाला, ठीक है, और ये उसका आइसोमर है आइसोब्यूटेन, इसमें भी C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। C4H10 इसमें भी लाई कर रहा है और C4H10 इसमें भी लाई कर रहा है, बट स्ट्रक्चरली ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं मैन। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें Having same molecular formula उसी तरह but arrangements of atoms जो होती है वो different होती है, ठीक है। Like हम different functional groups में चले जाते हैं या फिर जो आपके पास functional group की position different हो जाती है, something like that। और geometrical isomerism में क्या होता है, इसमें हमारे पास structural formula same होते हैं, structural formula same होते हैं but जो 3D space में उनकी orientation different होती है, ठीक है। और like आपने अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो उसमें ये होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन होती है ना वो 3D में वो डिफरेंट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सेम होते हैं लेकिन जो इनकी 3D में ओरिएंटेशन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिफरेंट होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन के इस साइड पे ऐसे ग्रुप्स, मतलब आप बात कर रहे हैं तो अब अरेंजमेंट सेम ही होती है इसमें लेकिन जो ओरिएंटेशन होती है ना ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब जैसे कि ये भी कार्बन है लेकिन यहाँ भी कार्बन है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो कैसे होती है आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा आज की वीडियो, जस्ट हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे फोकस करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं वो क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लाइक चैन आइसोमेरिज्म एंड समथिंग टैटोमेरिज्म ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं, तो चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट चैन होती है, ठीक है। चैन डिफरेंट होती हैं, लाइक अब एन पेंटेन की बात करें तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C5H12, ठीक है। H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला है एन पेंटेन का। एन पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C5H12। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के आपको 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नजर आ रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इन तीनों की चेन्स क्या है, डिफरेंट है। इस पे एक ब्रांच अटैच है, इस पे दो ब्रांच अटैच है, ठीक है। तो चैन आइसोमेरिज्म जिसमें चैन डिफरेंट होती है हमारे पास, ठीक है। एन पेंटेन की हमने एग्जांपल्स देखी, हैविंग 3 टाइप्स ऑफ चेन्स। एन पेंटेन स्ट्रेट चेन है, आपको यहाँ एक ब्रांच नजर आ रही है, और नियो पेंटेन में आप देखें तो इसमें दो ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं, द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हैविंग डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजिशन होती है आपके पास। लाइक अल्काइल हैलाइड है तो इसमें जो क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ देखें तो क्लोरो 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लोरो 2 पे लगा हुआ है और इस पे क्लोरो कितने पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आप नंबर करते हैं तो ये 3 2 क्लोरो पेंटेन
और 3-क्लोरोपेंटेन, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5 इसमें भी आ रहा है, C5 इसमें भी आ रहा है, लेकिन क्लोरो इधर भी है और इधर भी है। बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी आपने देख ली है तो वो भी सेम ही है, बट पोजिशन डिफरेंट है। यहाँ क्लोरो 2 पे लगा हुआ है और यहाँ क्लोरो 3 पे लगा हुआ, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में आते हैं, पोजिशनल एग्जाम्पल्स में। इसी तरह आप बात करें तो 2-पेंटानोल और 3-पेंटानोल, अल्कोहल फैमिली देखें तो अब 2-पेंटानोल और 3-पेंटानोल ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट होती है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हों, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, लाइक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ लाइक आ रहा है अल्कोहल, और नेक्स्ट देखें तो ईथर फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल है और ये आप ईथर फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ब्यूटानोल अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईथर ये है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप सी और सी जहाँ भी प्रेजेंट होगा ये ईथर। अब देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसमें भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें भी 1, 2, 3, 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन। अगर इसकी एक्चुअल बात करें तो C4H इसके पास कितने होते हैं, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, C4H10 ओ, ठीक है, C4H10 ओ यहाँ भी है। और अब इधर बात करें तो इधर भी C4H10 ओ है, ठीक है, C4H10O। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या हैं, सेम हैं। तो C4H10O, C4H10O दोनों में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ अल्कोहल आ रहा है और यहाँ आप ईथर को देख रहे हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। लाइक अनदर एग्जांपल की बात करें तो डाइमिथाइल ईथर फंक्शनल ग्रुप सेम है, C6H O, और यहाँ भी C6H O, ठीक है, C6H O, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, ये इसको एथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में लाइक आ रहे हैं। अनदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वो आइसोमेरिज्म जिसमें हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन चेन्स होती हैं उनमें इक्वालिटी हो, ठीक है, इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, ठीक है, सेम्स ना हो, आप ये कह रहे हैं। लाइक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसकी इस साइड पे आप देखें तो ये कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये आपके पास 2 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी 2 नंबर ऑफ कार्बन है, डाई इथाइल ईथर, और ये कितने हैं, आप यहाँ इसको यूं कर, ठीक है। अब ये डाई इथाइल ईथर है, इसमें कार्बन कितने हैं आपके पास, 4 कार्बन हैं और उनके मिड में ऑक्सीजन C4H, इसमें कितने होंगे, 6, 10, C4H10O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनता है। और इसका देखें तो आप, अब ये देखें तो CH3 3 हाइड्रोजन, C4 इसमें भी है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, C4 एज इट इज, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 × 2, 5 × 2, 7 और 3, C4H10O इसमें भी आता है, ठीक है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, H10 और ऑक्सीजन इसके साथ आता है, C4H10O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, ठीक है। अब ये मेटामेरिज्म क्या होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सम फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है, बट उसके अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है। आप देखें इस ऑक्सीजन के साइड पे 2 कार्बन इधर हैं, 2 कार्बन इधर हैं, ठीक है, और इधर देखें तो ऑक्सीजन के इस साइड पे 3 कार्बन है और इस साइड पे 1 कार्बन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, तो ये मेटामर्स बनते हैं। मेटामर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। लाइक 2-पेंटानोन, अब इसमें देखें तो अब 2 पे यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस साइड पे 1 कार्बन आ रही है और इस साइड पे आपके पास 3 कार्बन आ रही है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई कार्बन की। तो इसमें आप देखें तो इस साइड पे इसका जो आइसो मेटामर्स है उसमें देखें तो इस साइड पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और इस साइड पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये दोनों सेम तो नहीं है, दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखें
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये ऐसे आइसोमेरिज्म है जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, इसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें तो टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म क्या होता है? टैटोमेरिज्म वो जिसमें हम प्रोटोनेशन कहते हैं। टैटोमेरिज्म लाइक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है वो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करवाते हैं उसको टैटोमेरिज्म आप कहते हैं, ठीक है। तो लाइक एग्जांपल की बात करें तो आपके पास ये कंपाउंड शो हो रहा है, इसमें होता क्या है, टैटू प्रोटॉन कैसे ट्रांसफर होता है तो उसको देखते हैं। तो लाइक हम इसको पहले ड्रा कर लेते हैं, एक्चुअली ये होता कैसे है। ये कार्बन आपका और इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये सी कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है, एसिड फंक्शनलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एसिड क्या होता है, एसिड इजीली अपना एसिडिक प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, ठीक है, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, बेस लोन पेयर, जो बेस का लोन पेयर होता है वो बेस का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा यहाँ, तो ये इसे इसका प्रोटॉन पिक कर लेगा एसिड का, क्योंकि एसिड इजीली ये इसको डोनेट कर सकता था। तो इसने अमोनिया बेस होती है NH2, तो इसने ये इसका प्रोटॉन ले लिया, तो जो रिएक्शन हुआ वो ये ऐसे हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये फिर फर्दर यहाँ बॉन्डिंग होती है ना इसकी, ये तो यहाँ से यूं ऑक्सीजन पे इसने, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो इसने दूसरा फिर ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर एटम में आ रहे हो तो उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होगी, प्रोटॉन इस पे आ गया, हाइड्रोजन H3 इधर आ गए, ठीक है, टू थे और थ्री, तो इसको बोलते हैं टैटोमेरिज्म, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन विद इन एटम, एक ही एटम में हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करें तो उसको टैटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेम एटम में ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल हो रहे हो, लाइक इसने ये पिक किया और ये ज्विटर आयन बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम आ रहे हैं कि ग्रुप में, तो हम उसको ज्विटर आयन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये थी टैटोमेरिज्म, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो वो हमने लिंक ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल, सिस्टरॉन्स कैसे असाइन करते हैं, प्योरिटी रूल्स क्या हैं, वो सारे आप उससे देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट्स आपको जो सही समझ आया हो आप वो भी कमेंट करें, और जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आई है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन है, आप फिर भी कमेंट करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती जाए। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।